विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संयुक्त रूप से आदिवासी समुदाय ने विशाल रैली निकाली। आदिवासियों ने सरकार से मांग की कि रक्षा सुरक्षा और सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाभ मिल सके। साथ ही महिला नेता ने कहा कि आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। हम ये आदिवासी दिवस हम ऐसे भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे जैसे अभी दीदी ने कहा, हमारी जो आदिवासी संस्कृति, आदिवासी अस्मिता है, आदिवासी बहन बेटियां हैं, इन सब पे हम जो आज जो सिचुएशन है, आज जो स्थिति है हमारे देश की, जिसमें आदिवासियों की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है, तो मैं इस के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ सरकार को कि हमारी बहन बेटियों को वो सुरक्षा दी जाए। क्योंकि सभी की बहन बेटियों के लिए आप एक्शन लेते हैं, पर हमारी बहन बेटियों के लिए आप क्यों एक्शन नहीं लेते? हमारी बहन बेटियों को भी सुरक्षा की ज़रूरत है। आज हम विश्व दिवस के माध्यम से पूरे विश्व को देखिए, पूरे विश्व में 37 करोड़ हमारे आदिवासी हैं, 90 देशों में हमारे आदिवासी रह रहा है। लेकिन आप बताइए कि सिर्फ आप भारत की बात कीजिए, भारत में क्या भारत सरकार हमारे आदिवासी अधिकारों को लागू की है? यूएनओ ने हमें जो अधिकार दिया है क्या लागू की है? हमको तो अनुसूचित जनजाति में डाल दिया। आप इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, ट्राइब्स का मतलब क्या होता है? आदिवासी, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद है अनुसूचित जनजाति। जनजाति सेंध मारने वाली शब्द है, जिसमें 2011 में 705 आदिवासी समूह हो गया है। यह जो आदिवासी दिवस में जो आज यह रैली है, गोडवाना उत्थान समिति और कटनी के संपूर्ण सामाजिक संगठनों के सख्त तत्वाधान में निकल रही है, और यह रैली से कटनी जिले के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, और यह मांग कर रहे हैं कि आदिवासी समाज के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए, जो घोर अन्य अत्याचार वर्तमान में हो रहे हैं उनको रोका जाए।